हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की रिक्रूटमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आपको अलग अलग स्कूलों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए टीचरों की जो है जरूरत होने वाली है स्कूलों को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दूसरी बात, इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो 3 मार्च 2024 है, यानी कि पूरे आपके पास अभी जो है काफी समय बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी कर लें, अप्लाई कर लें। यहाँ पे आपको मुफ्त में खाना और मुफ्त में निवास भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि इसी तरह के कंटेंट को, यानी कि इसी तरह की वैकेंसी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो है और भी जो अपडेट वगैरह मिले आपको टाइम पे मिलता रहे। तो प्लीज मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबा लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे मैं आपको PDF की ओर लेकर चलता हूं। PDF जो है मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करी है, आप खुद से जो है जाकर वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो है मेरिट लिस्ट वाली वीडियो है, इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, डोंट वरी। ये वीडियो भी जो है आपको रात तक में मिल जाएगी, तो आप वहां भी देख सकते हो। अब देखिए, वैकेंसी जो है 6 to 9 के लिए और 9 to 12 के लिए अलग अलग जो है वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, 6 to 9, 9 to 12 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से देख पाओगे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा हिंदी इंग्लिश के लिए जो है 4 वैकेंसी है। इसमें देखिए, 4 वैकेंसी जो है, चारों वैकेंसी जो है, 3 वैकेंसी जनरल के लिए और 1 वैकेंसी VC2 के लिए वैकेंट है। 4 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, किसके लिए? हिंदी और अंग्रेजी के लिए। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए बात करें तो गणित के लिए भी 4 वैकेंसी है। चारों की चारों वैकेंसी जो है 2 पोस्ट जनरल के लिए और 1 पोस्ट VC2 के लिए, 1 वैकेंसी ST के लिए है। अब बात कर लेते हैं साइंस टीचर की, तो देखिए, साइंस टीचर के लिए 3 वैकेंसी आई हुई है, 1 वैकेंसी ST के लिए रिजर्व रखी गई है, 1 वैकेंसी EWS के लिए और 1 वैकेंसी जनरल के लिए। टोटल 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक, यानी कि SST की बात करें तो 1 ही वैकेंसी है और वो वैकेंसी किसके लिए वैकेंट है, तो यहां से आप देख पाओगे BC2 के लिए वो वैकेंट रखी गई है। टोटल 12 वैकेंसी है 6 to 8 के लिए। लास्ट डेट यहां से आप देख पाओगे 5/3/2024 तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 6 to 8 के अलावा जो है यहां पे देख लो, यहां पे इन्होंने लिख रखा है, ये देखो यहां पे। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको नीचे चलता हूं और चीजों को यहां पे दिखा देता हूं। अब देखिए, सैलरी आपको यहाँ पे कितने देंगे, ये 15,840 रुपये पर मंथ आपको ये देंगे। अगर क्राइटेरिया की बात करूं, क्राइटेरिया जो है यहां से आप देख पाओगे, क्राइटेरिया के लिए इन्होंने जो बातें रखी है वो यहां से आप देख पाओगे, ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा, 50% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए, साथ में बीएड जो कर रखा है आपने उसमें भी 50% होना चाहिए। बीएड जो है किसी मान्यता प्राप्त, ऑब्वियस सी बात है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही अगर आपने किया है तो आपका काम बनेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो टेट परीक्षा होती है 6 to 8 झारखंड सरकार के द्वारा जो आयोजित की गई है उसमें आपका पास होना जरूरी है। अब देखिए, झारखंड टेट पिछले 2016 के बाद से कभी हुआ नहीं है, तो ऐसे में इस तरह की वैकेंसी का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन सरकारें जो नियम बनाती है वो मैं आपके साथ रख देता हूं, सही या गलत आप खुद डिसाइड करो कि ये सही है अथवा गलत, लेकिन 2016 के बाद से टेट की परीक्षा नहीं ली गई है झारखंड में, तो ऐसे में झारखंड टेट वाले ही इसे भर पाएंगे। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही यहाँ पे भर सकते हैं और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 साल, 38 साल महिलाओं के लिए है। ठीक है, UR कोई भी हो महिला के लिए 38 साल एज रखी गई है। 37 साल जो बैकवर्ड क्लासेस BC2 से आते हैं, SC ST के लिए 40 साल और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा डिसेबिलिटीज के साथ, तो वो वहां पे भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है, तो देखिए जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, साथ में 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको ग्रेजुएशन तक के ऐड कर देने हैं। बीएड का भी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो भी आपको ऐड कर देना है, साथ में अगर JTET ऑब्वियसली होगा नहीं, होना ही पड़ेगा, तो JTET का जो मार्कशीट है Paper 2 का वो भी आपको अटैच करना होगा। और इसे भेजना कहाँ है, ऊपर में याद रखिएगा, अनिवार्य रूप से आपको जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवेदन का नाम आपको लिख देना है, आवेदन पद का नाम, जैसे कि आप अगर सोशल साइंस के लिए जा रहे हो तो SST लिख दो या फिर सोशल साइंस
लिख दो, अगर आप साइंस के लिए जा रहे हो तो ऊपर में साइंस लिखना ना भूले, ठीक है, साइंस आपको लिख देना है। अगर मैथ्स के लिए जा रहे हो तो मैथ्स ऊपर में लिख दो आप, ताकि इनको जो है ढूंढने में दिक्कत ना हो। रेड पेन से लिख देना, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लाल रंग के मोटे अक्षर में आपको लिख देना है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सब में सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, जहां भी फोटो कॉपीज है ना वहां पे आपको सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख देना है, एंड आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। जैसे कि सपोज कर लो कि मेरा नाम जो है मालती है, तो या फिर ममता है, कुछ भी है, या फिर पूजा है, कोई भी नाम है, आपको नीचे अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, माला है, और जो आपका जिस डेट को आप सिग्नेचर कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये वेबसाइट पर जाकर आप खुद से जो है चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। ये मैं आपके लिए जो ये देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करके भेजना है। अब मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ, आप खुद से जो है वेबसाइट पर जाकर भी चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ से मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, वेट ए मिनट, ये देखो jamshedpur.nic.in पर जाकर आप खुद से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो ये आपके साथ में पीडीएफ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो आप खुद से वहां से जाकर देख सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर आप एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।